मैं चार्मी के पीछे जाता हूँ। भाई प्लीज मुझे जाने दीजिए, मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है जा। मंत्री बहन का है? वो आउट हाउस में, मैं उसे फोन करती हूँ। बिग बहन चार्मी बाहर गई, तू हॉल में आ जा। चार्मी घर के बाहर चली गई, इसका मतलब उसने राजवी मालकिन को कहीं बाहर रखा है। ऑफ कोर्स। तुम्हें क्या लगता है नंदिनी, तुम मुझ पर शक करती रहोगी और मुझे पता भी नहीं चलेगा? इतनी भी चालाक नहीं हो तुम। उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है और बंसरी भी तुम्हारे साथ है। हो सकता है कि तुम्हें सब कुछ पता चल गया हो नंदिनी, हो सकता है तुम्हें गुण की मौत के बारे में भी पता चल गया हो और इसीलिए गुण की आत्मा आने का नाटक किया होगा तुम लोगों ने। हो सकता है राजवी आंटी के गायब होने पर भी तुम्हें मुझ पर ही शक हो रहा होगा। हो सकता है कि तुम्हें ये भी पता चल ही गया हो कि मैं दर्श से प्यार करती हूँ। हो सकता है कि दर्श और शोभित भी तुम्हारे साथ मिले हों, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अपना मकसद तो मैं हासिल करके रहूंगी। दर्श सिर्फ मेरे हैं और उन्हें मेरा होना पड़ेगा। अब इस खेल में मजा आएगा नंदिनी। शोभित अपनी गाड़ी में क्यों बैठा है? इसका मतलब अब शोभित मेरा पीछा करेगा? उसे लग रहा होगा कि मैं राजवी आंटी के पास जाऊंगी। तो ठीक है चलो, तुम्हें द्वारका की सैर कराती हूँ शोभित। देखो नंदिनी, मैं फिलहाल तुम्हें सारी सच्चाई तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये सच है कि मैं जानता था कि 27 साल पहले से तोरल की मेंटल स्टेट ठीक नहीं है। मैं ये भी जानता था कि हेल्थ सेंटर में उसका इलाज चल रहा था, लेकिन मेरा विश्वास करो नंदिनी, हम सब ने बहुत अच्छे से ख्याल रखा है उनका। वहां के डॉक्टर्स ने हमेशा हमसे यही कहा कि उनकी रिकवरी पॉसिबल नहीं है, उनकी दिमागी हालत ठीक हो ही नहीं सकती। I'm sorry, मुझे तुमसे ये बात छुपानी पड़ी, लेकिन मैंने जो किया सबके भले के लिए किया। लेकिन डैड, इसका मतलब है कि माजी का इस घर से कोई? देखो नंदिनी, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन प्लीज इस वक्त हमें राजवी को ढूंढना बहुत जरूरी है। प्लीज प्लीज मेरी मदद करो ना। देखो मैं जानता हूं तुम्हारी तोरल के साथ एक अलग सी बॉन्डिंग हो गई है और वो सुबह से किसी दीवार के बारे में बात कर रही है, और मुझे ऐसा लगता है उसे कहीं ना कहीं पता है कि राजवी कहां पर है। क्या तुम उसे प्लीज पूछ सकती हो वो किस दीवार के बारे में बात कर रही थी? दर्श जी ने कहा था कि उन्हें माजी उस रूम में दीवार को घूरते हुए मिली थी। हो सकता है माजी उसी दीवार के बारे में बात कर रही हूँ, और फिर चार्मी को भी मैंने उसी कमरे में जाते हुए देखा था। आखिर कमरा इतने सालों बाद खुला है, हो सकता है उसका मिलके गायब होने से कुछ कनेक्शन हो। नंदिनी, क्या तुम मेरी हेल्प करोगी? क्या तुम प्लीज तोरल से पता कर सकती हो किस दीवार की बात कर रही थी? हाँ डैड, मैं पूछ लूंगी, एक बार माँ जी उठ जाए। डैड, मुझे भी आपसे चार्मी के बारे में कुछ बात करनी थी। क्या गुण की मौत के पीछे चार्मी कहाँ थे और राजवी को गायब करने के पीछे?
चार्मी ने प्रेगनेंसी का भी नाटक किया? नंदिनी तुम मुझे ये बताओ, राजवीर चार्मी के ही पास है ना? दर्श, तुमने ये बात मुझे बताने में इतना टाइम क्यों लगाया? पुलिस को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? डैड, हम ऐसे रिस्क थोड़ी ना ले सकते हैं। जरा सोचिए, अगर चार्मी को पता चल गया कि हमें उसकी सच्चाई पता है, वो माँ को हार्म कर सकती है ना? शोभू गया है चार्मी के पीछे। आई एम श्योर उसका पीछा करते करते वो उस जगह तक पहुंच जाएगा जहां पर उसने माँ को रखा है। मैंने डैड को सब कुछ बता दिया है शोभित भाई। शुभम, रियली सॉरी, आई डोंट नो, बट ये सब तुम्हारे साथ ही क्यों होता है? मुझे चार्मी का कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कार में उसका पीछा किया, वो ड्राइव करती रही, कहीं वो रुकी भी नहीं, सीधा फिर घर पर आई और ऊपर जाके सो गई। व्हाट? शोभित भाई, कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि आप उसका पीछा कर रहे थे? आई होप नॉट। अब हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे? दर्श और मैं तो कल एक होकर रहेंगे नंदिनी, अब रोक सको तो रोक लो। माँ जी, आप ये दीवार क्यों छू रही हैं? शीशे को देखकर आपको कुछ याद आ रहा है? इस वजह से तो इन्हें कई रे पीर पर आए जाने रे। माँ जी, आपको भगवान दिखे थे क्या शीशे में? चेतन, क्या हो सकता है उस कमरे में? तोरल बेन उस कमरे की ही दीवार के बारे में बात कर रही थी ना? हमें न किसी भी कीमत पर चार्मी को उस कमरे में जाने से रोकना है। है कहाँ चार्मी? हॉल में है, ब्रेकफास्ट कर रही। विष्णु वचन तो देने कही रे पीर पर आई जाने रे। माजी, आप ये भजन क्यों गा रही हैं? कुछ याद आ रहा है आपको? ये लो चार्मी, तुम्हारी सारी फेवरेट चीजें बनाई हैं। आज डाइटिंग के बारे में मत सोचना। हाँ, तुरल का सारा सामान, उसकी पहचान से जुड़ी सारी यादें पुराने वाले मंदिर में बंद कर दिया था। मैं कभी नहीं चाहती थी कि उसके बारे में कभी भी किसी को कुछ भी पता चले। उसके आगे एक बड़ा मिरर लगवा दिया था, जैसे किसी को पता ना चले कि उसके पीछे एक दरवाजा है। लेकिन राजू बहू, ये सब तूने कब किया? मुझे भी नहीं पता। बहुत पहले, ये मैंने बहुत पहले करवा दिया था बाबूजी, जैसे मैं नहीं चाहती थी कि कभी भी तोरल का नाम भी इस घर में कोई ले। इससे पहले कि नंदिनी राजवी आंटी को ढूंढ ले, मुझे दर्श को हमेशा के लिए अपना बनाना होगा। अरे चाची, आपने अपने लिए नहीं लाया? हाँ, मुझे भूख नहीं है। अरे ऐसे कैसे, अब जब तक आप अपने लिए नहीं लाएंगी ना, मैं भी खाना शुरू नहीं करूंगी। प्लीज अपने लिए भी लेकर आइए ना। नहीं चार्मी, वो चाची प्लीज। मैं भी देखती हूँ कि आप मुझे कैसे रोकती हैं। रोको! ट्रेन की आवाज अचानक कहां से आने लगी? ये चार्मी का काम तो नहीं है। रेलगाड़ी को रोको! रोको! रेलगाड़ी को रोको! माजी, रेलगाड़ी को रोको! माजी, माजी, परेशान तो जाइए, ये असली में आवाज नहीं, ये सिर्फ आवाज है, रेलगाड़ी नहीं है। अरे ये आवाज, चाची ट्रेन की आवाज कहां से? ये जरूर चार्मी नहीं लगाई होगी।
चार्मी कहाँ? अभी तो ब्रेकफास्ट कर रही थी, अभी बाहर की तरफ गई है दर्श। ये देखिए आवाज बंद हो गई ना। शांत हो जाइए, कोई रेलगाड़ी नहीं। नंदिनी क्या हुआ? तो थोरलवेन ठीक है ना? थोरलवेन शायद माँ जी कहना चाहती है कि इस शीशे के पीछे कुछ है। नानी क्या? नानी पीछे तुम थोरलवेन को संभालो, मैं देखती हूँ। थोरलवेन माँ जी यहाँ आ जाइए। आप आइए। नानी क्या हुआ पारुल, ये आईना किसने हटाया? चेतन मोटा भाई ये देखो, क्या दरवाजा भी है और हमें पता ही नहीं। आखिर कहाँ जा सकती है चार्मी? ज्यादा दूर तो नहीं गई होगी। मैं पानी लेकर आता हूँ। भाभी भाभी आंखें खोलिए भाभी। राजी 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 मिल आंखें खोलिए, मिल आंखें खोलिए। जय द्वारका देश, जय द्वारका देश। तुम्हें भले ही राजवी आंटी मिल जाए नंदिनी, लेकिन दर्श तुम्हारे कभी नहीं होंगे। अब भले ही पुलिस पीछे पड़े या मौत आ जाए, दर्श मेरे ही होके रहेंगे। मैं जानती हूँ दर्श, मेरी सच्चाई जानने के बाद आप मेरे साथ तो नहीं रहेंगे, लेकिन हम साथ जी नहीं पाए तो क्या हुआ? साथ मर तो सकते हैं ना। पर ये लो पान। मिल आप ठीक है ना? भाभी आंखें खोलो भाभी। तुम मेरे संदूक है। ये साड़ी, मेरी साड़ी, मेरी साड़ी जी। मिल आंखें खोलिए, मिल। होश आ गया भाभी को, होश आ गया। कोई गैस बंद कर दो, गैस बंद करो वरना पानी उबल जाएगा। गैस बंद करो, कोई तो गैस बंद करो, पानी उबल जाएगा। थोरलवेन चलो चलो, आप आइए बाहर आइए। गैस बंद करो। थोरलवेन चलिए। चाची आप माँ जी को लेकर जाइए। हाँ, लेकर जाओ लेकर जाओ। गैस बंद करो, पानी उबल जाएगा। थोरलवेन चलिए, पानी उबल जाएगा, गैस बंद करो। चार्मी की इतनी हिम्मत, उसे आपसे इतनी प्रॉब्लम क्यों थी? मैंने उसकी सारी बातें सुन ली थी, उसे लगा मैं सबको सच सच बता दूंगी। मुझे बेहोश कर दिया और कमरे में बंद कर दिया। शोभित, शोभित आई एम सॉरी, अनजाने में मैंने तुम्हारी लाइफ खराब कर दी। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि जानवी ऐसी निकलेगी, पर उसको उसके किए की सजा जरूर मिलेगी।
प्लीज अपनी माँ को माफ कर दो। I'm so sorry. दर्श कहाँ है? भाभी दर्श चार्मी के पीछे गया है बाहर। आप मेरा प्यार कैसे नहीं देख पाए दर्श? इतना कुछ किया मैंने आपके लिए, आपके लिए इतने दिन उस इरिटेटिंग शोभित को भी बर्दाश्त किया मैंने, और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट ना होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट होने का नाटक किया मैंने सिर्फ इसीलिए ताकि आपके करीब रह सकूं। और गुन को भी मार दिया मैंने। आपके प्यार ने मुजरिम बना दिया है मुझे दर्श। अब तो बड़े से बड़ा जुर्म करने में डर नहीं लगता। अब देखिए ना, आपकी माँ को भी कितनी सफाई से घर के अंदर ही रखा मैंने, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। चार्मी, क्या लगा था तुम्हें गेम सिर्फ तुम खेल सकती हो? हाँ, बेहोश होने का नाटक कर रहा था मैं। मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे वहां पर लेकर जाओगी जहां पर तुमने माँ को छुपा कर रखा है, लेकिन अब बिलीव ही भगवान भी मेरे साथ है, इसलिए मेरे सामने ही तुमने अपने सारे गुनाह भी कबूल कर लिए। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, डैड का मैसेज आया था कि उन सबको माँ मिल गई है, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, तो चले। तुम्हें क्या लगा था कि तुम मिल को बंद करके रखोगी और बच जाओगी? कैसे भूल गई कि मिल के साथ उनका सारा परिवार जो उन पर ना कभी आज तक नहीं आने देगा। दर्शी की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। प्यार करती हूं मैं दर्श से, और प्यार में सब जायज है। एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। बस तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि जब मुझे सच्चाई का पता चलेगा तब मुझ पे क्या बीतेगी? अरे घिन आ रही है मुझे अपने आप पे कि मैंने तुम जैसी लड़की से प्यार किया। चार्मी, तुम्हें ना मेरे इमोशंस के साथ खेलने का कोई हक नहीं है। क्या किया तुमने? हाँ, प्रेगनेंसी का झूठ बोला सिर्फ इस घर में रहने के लिए, जबकि तुम कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। मैं प्रेग्नेंट थी। मैंने अपना बच्चा, लेकिन हाँ, इस घर में रहने के लिए प्रेगनेंसी का नाटक मैंने किया इसीलिए क्योंकि मुझे दर्श चाहिए थे। लेकिन जब भी मैं दर्श के करीब जाने की कोशिश करती, ये नंदिनी हमेशा बीच में आ जाती थी। प्यार और पागलपन के बीच का डिफरेंस तुम भूल गई हो। जो तुम कर रही हो वो प्यार नहीं है, वो पाप है, कानून के नजरों में भी और भगवान के नजरों में भी। और तुमने जो किया है ना, उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर रहेगी। इतना आसान नहीं होगा राजवी आंटी, क्योंकि आप लोगों के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। प्रेग्नेंट ना होने के बावजूद भी प्रेग्नेंट होने का नाटक किया मैंने सिर्फ इसीलिए ताकि
आपके करीब रह सकूं। और गुण को भी मार दिया मैंने, आपके प्यार ने मुजरिम बना दिया है मुझे दर्श। अब तो बड़े से बड़ा जुर्म करने में डर नहीं लगता। अब देखिए ना, आपकी माँ को भी कितनी सफाई से घर के अंदर ही रखा मैंने, लेकिन किसी को भी पता नहीं चला। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।